नमस्ते, मैं हूं तत्परा अहोरात्र। हम सभी को मालूम है कि बापूजी यानी कि महात्मा गांधी जी ने वारधा गांव को अपना सेवा ग्राम की शुरुआत करने के लिए चुना था, और इसको चुनने के पीछे का कारण ये था कि उनको लगा कि ये भारत के ठीक बीच में पड़ता है, क्योंकि भारत का उत्तर दक्षिण रेखा और पूर्व पश्चिम रेखा एक दूसरे से पार होता है। इसे परखने के लिए मेरे पिता अहोरात्रा ने गूगल अर्थ की मदद से लड्डू महादेव जो शिखर है कश्मीर का, वहां से रेखा खींचते हुए विवेकानंदा जो पत्थर है कन्याकुमारी में, वहां तक उत्तर दक्षिण का रेखा जोड़ा। फिर पूरी जगन्नाथा मंदिर से नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पूर्व पश्चिम का रेखा जोड़ा। एक रेखा उत्तर पूर्वी कैलाश मानसा से दक्षिण पश्चिमी गोकर्ण तक, और एक रेखा दक्षिण पूर्वी रामेश्वरम से उत्तर पश्चिम में मौजूद एक अकेला और पुराना ब्रह्मदेव का मंदिर जो है पुष्कर में। ये सारी रेखा बनकर एक सेंटर पॉइंट पर आते हैं जो वारधा सेवाश्रम से ठीक 200 किलोमीटर पर पड़ता है। सबसे आश्चर्य करने वाली विषय ये है कि जो सेंटर पॉइंट बना है वो भारत माता की नाभि के रूप में है, जहाँ पर एक असामान्य सरोवर है जो बिल्कुल गोल के आकार में नजर आता है। इस सरोवर का सर्कमफ्रेंस 6 किलोमीटर है और डायमीटर 2 किलोमीटर का है। दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रेटर्स में से एक कहलाता है, जिसने कई सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट्स को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिनमें फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और आदि साइंटिस्ट भी शामिल हैं। सदियों से इसे बहुत ही आकर्षित नाम के जरिए जाना गया है, लोनार लेक, और दूसरा नाम है सलाइन सोडा लोनार क्रेटर, जो महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये 5,60,000 वर्ष पूर्व बना था मीटियोर के प्रभाव से, लेकिन अहोरात्र की थ्योरी के हिसाब से ये क्रेटर दुनिया के सभी विशाल क्रेटर्स में से सबसे पहला था जो बना था मीटियोर के प्रभाव से, ताकि ये पृथ्वी का बैलेंस, स्पीड कंट्रोल और अलाइनमेंट बनाए रखे। इसका ध्यान रखा हमारे गंधर्वों ने, जिन्हें हम दूसरे गैलेक्सी के एलियंस के रूप में जानते हैं, और ये किया गया था पृथ्वी के आरंभ काल के दौरान। हमारा पृथ्वी एक स्फेरिकल आकार के क्रेटर के रूप में है, जिसमें बहुत से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, जिसकी वजह से हमारे जंगलों में हर तरह के रंगीन प्राणी, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फ्लोरा एंड फौना आदि मौजूद है। इस क्रेटर का पीएच वैल्यू है 11। हमारे पूर्वज जिन्होंने भी इस क्रेटर की यात्रा की थी, उन्होंने भी अनुभव किया कि उनके सारे रोगों का निवारण हो रहा था, और इसी वजह से उस जमाने के राजाओं ने इस क्रेटर के आजू बाजू बहुत से यानी कि लगभग 400 से ज्यादा मंदिर बनाए, जिसमें से आज कई सारे मंदिर तहस महस हो चुके हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के हिसाब से श्री विष्णु ने लवणासुर नाम के दुष्ट का विनाश किया था, जो अपनी बहनों के साथ रहकर यहाँ बहुत से गलत काम कर रहा था। यहाँ पर एक स्टार शेप्ड मंदिर है जिसका नाम है दैत्य सुधना। दैत्य सुधना का ही अवतार लेकर श्री विष्णु ने लवणासुर का विनाश किया था। इस देवालय को 6वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से कहानी को दर्शाने के लिए शिल्प कार्य किया गया है, जो हमें आज के तारीख में भी देखने मिलेगा। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको गगन गोचरी वसुंधरा इस बुक में मिल जाएगा, जिसका रिसर्च किया गया है मेरे पिता अहोरात्रा द्वारा। जिन्हें भी ये किताब चाहिए वो नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर दे, उन सभी को ये बुक भिजवाया जाएगा। धन्यवाद।